हैलो सत श्री अकाल वेलकम बैक एक नवी वीडियो दे विच आप गड्डी पहला पार्क उपर ही लाई हुई सी क्योंकि आप वॉक करके नीचे देख के आए हैं कि गुरुद्वारा साहब की पार्किंग विच कोई स्पेस हैगी अवेलेबल या नहीं क्योंकि तुसी देख सकते हो रस्ता हैगा आ बहुत मतलब कि टाइट रहा बहुत ही ज़्यादा टाइट आ इस करके फिर असी नहीं चाहते सके कि है ना थले एक पार्किंग ना हो फिर दोबारा सानू उपर आना पवे उपर पेड पार्किंग तो सी पर फिर भी सानू सीगा कि जिन्ना मतलब कि लागे होवे है ना गुरुद्वारा साहब दे उन्ना ही वधिया है क्योंकि साढ़े को जिहड़ा अपने को समान सीगा बहुत ज़्यादा सीगा बच्चों का भी काफ़ी समान सीगा फिर उपर जाना पैना सीगा क्योंकि उपर पेड पार्किंग तो सीगी पर उहदा फिर कोई फायदा नहीं सीगा तो अपने गुरुद्वारा साहब बहुत ही वधिया पार्किंग मिल चुकी है तो नाल ही उतों 5 मिनट की वॉक तो गुरुद्वारा साहब आ तुसीं देख सकते हो जिहड़े मणिकरण साहब नहीं आए उन्होंने आप दस देना चाहते हैं जिहड़ी गुरुद्वारा साहब की पार्किंग आ वह बिल्कुल फ्री आ तो जे तुसी जो तुसी जाने हो तुसी अपनी श्रद्धा के अनुसार तुसी सेवा मतलब कि जे तुसी देना चाहते हो दे सकते हो अदरवाइज इत्थों कोई चार्ज नहीं करते हैगे तो इस करके तुहानू आपां इह गल दस रहे हां जिहड़े नवें इत्थे नहीं आए हैगे हले उन्हां लई आए ये लैफ्ट हैंड साइड ते जिहड़ी तुसी 3 मंजिला इमारत देख रहे हो यह हैगी कार पार्किंग ते इहदे बिल्कुल अपोजिट हैगा आ गुरुद्वारा मणिकरण साहिब अपने गुरुद्वारा साहब कोई भी रूम अवेलेबल नहीं मिले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संगत आई हुई थी बिजी सगा इस करके आप बाहर प्राइवेट ये को रूम लै रहे हैं तो नैगोशिएट कर रहे हैं फाइनली अपन रूम मिल चुका है तो अपनी डील हुई है 1500 रुपए के डन तो हूँ आप चलते हैं सब तो पहले रूम के उस तो बाद फिर आप समान वगैरह रख के रूम के गुरुद्वारा साहब के दर्शन दीदार करेंगे तो तुम्हें भी नाल करवावे सामने जी बिल्डिंग देख रहे हो गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब की मेन बिल्डिंग आ तो आला दुआला देखो कितना सोहना फुलों सजाया गया आ शाम का टाइम आ बहुत ही ज़्यादा सोहना व्यू लग रहा है तो संगत बहुत ही ज़्यादा पहुँच रही ने बिजी है बहुत ही ज़्यादा रश आ जी गुरुद्वारा साहब के मे अंदर दर्शन करने हैं तो यही मेन एंट्रेंस है तुम्हें इधरों ही जाना पैना है तो जोड़ा सा होटल आ ये गुरुद्वारा साहब बिल्डिंग के ओपोजिट है तो सूँ यही एंट्रेंस यूज़ करनी पैनी है पार्वती नदी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा है तो तुम इधर देख सकते हो संगत जी है मोस्टली गुरुद्वारा साहब आ रही है शाम के टाइम तो जोड़े जाने वाले ने वो बहुत घट ने क्योंकि एक तो मणिकरण साहब की रोड जी रात में बहुत रिस्की है सिंगल रोड आ तो जोड़े आते हैं फिर प्रैफर करते हैं मणिकरण साहब एक या दो दिन रेंगे ने कसौल रेंगे ने तो फिर ही ट्रैवल करते हैं अगले दिन रात में बहुत घट ने जो ट्रैवल करते हैं मणिकरण साहब रोड तो क्योंकि रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है अपन रूम मिल चुका है सामने पार्वती रिवर इतने तक आवाज सुन सकते हैं तो अपन रूम गुरुद्वारा साहब तो नहीं मिले क्योंकि गुरुद्वारा साहब के रूम से सारे फुल वीकेंड करके बहुत ज्यादा रश थी पार्किंग भी बहुत मुश्किल ना मिली सानू तो हूँ आप जावे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करेंगे गुडगल बनेगी ठीक है पुत गुडगल बनेगी तेन सारिया चीजें लेके दूंगा ठीक है मैं चलो आज गाय चलिए हम एक जो जवाक कहें आपे पौड़ियाँ उतरनी आया सू लै डुब देने सगल बाद च लैके दूंगा पुत इदा नहीं करना तेन छड़ के चल जाना नहीं तो मैं चलो मेरे पुत चल छड़ कि चलिए कि सोहना लगता पे पुत किसी भी धार्मिक स्थान जाने हो गुरुद्वारा साहब या मंदिर तुम्हें दुकान आम ही देखने मिल जाए ने उस तरह ही इतने मणिकरण साहब के बाहर दुकान ने खास करके आ दुकान मैंने बहुत वधिया लगी है इतने लक्कड़ की देखो कितनी वधिया कलाकारी की हुई है तुम्हें वधिया तो वधिया चीज़ मिल सकती है इतने भैन तो सिर तो वेट कर रहे हैं क्योंकि असं बहुत ज़्यादा स्लो आ रहे हैं जी सा स्ट्रगल आ कोई ना कोई दुकान पर कह दें कि आ लैना कुछ आ लैना वो देख लो पिछे तुम देख सकते हो स्ट्रगल हले भी कि चक्की हुई है तो रौला पा रही है हड़दी नहीं पई यह हैगा गुरुद्वारा साहब का जोड़ा घर तो आप इतने बूट वगैरह सारे अपने उतार चुके हैं तो हूँ आप चलते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर देख सकते हो तुम पौने हठ हो चुके हैं तो मैं लगता आरती का टाइम भी शुरू होने वाला आ
बहुत ही ज़्यादा भुख लगी हुई सी। गुरुद्वारा साहब का प्रसाद का किसी को नहीं पता कितना ज़्यादा स्वाद होता, वो भी मनीकरण साहब में कढ़ी चावल का लंगर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है। नाले पता मैं एक चीज़ होर दसांगे, जिन्होंने गुरुद्वारा साहब मनीकरण में अकोमोडेशन लैनी होंगी है रूम्स वगैरह, वो लंगर हॉल में आके सामने ले सकते हैं, तो जे अवेलेबल है तो। एज एक्सपैक्टेड कढ़ी चावल नाल बढ़िया की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक अपने वड्डे वीर जी मिले ने, अपने इंडियन आर्मी में सके, तो उन्होंने वीर जी थोड़े जो तुम कि हो दस सकते हो माड़ा जहाँ। अच्छा 2003 ठीक है, ठीक है जी। तो वीर जी मिले अपन, मिल के बहुत वधिया लगा, तो वीर जी ने मैं दसा मैं भी ब्रिटिश आर्मी में हाँ, तो बहुत खुश होए। बहुत ज़्यादा गर्म हाँ जी, जरूर सवेरे आप इतने स्नान करके जावे जी। लाइटा में कितना सोहना लगता। रात का गुरुद्वारा साहब का व्यू लाइट्स के देखो कितना ज़्यादा सोहना लग रहा, नाल पार्वती नदी का पानी का बहाव इन्ना ज़्यादा तेज है, ठंडी ठंडी हवा वग रही है, झंडिया तो तुम देख सकते हो। हुण आपां दर्शन करांगे भगवान शिव ते माता पार्वती जी दे मंदर दे। ये मंदर जो तुसीं गुरुद्वारा साहब मनीकरण साहब तो बाहर आउंदे हो, बाजार जिहड़े मनीकरण साहब दे बाजार ने ये उत्थों 5 मिनट की दूरी ते आ, ते बाला दूर नहीं हैगा, ते इत्थे भी देख लो तुसीं किन्नी ज़्यादा संगत आई हुई है। गर्म पानी के चश्मे तो भाफा देखो कितना उतर रही ने, ते सामने देख सकते लोग इतने कच्चे चावल या काले चने का प्रसाद गर्म पानी के बीच डुबो के जो पक जाता है तो घर लेके जाते हैं। मैडम अपनी जिद कर दी है, मसे मननी है, दो पर्स चक्की फिर दी है, देखो उंगली तो इन्हें फड़नी ही नहीं किसी की, आपे जाना जिथे भी जाना है। हाँ की कर दूँ, अच्छा बाद चो लूंगी, चल ठीक है। मैडम हम की खाना है तुसे? ओथे लंगर च चावल क्यों नहीं खाते? रोटी भी महंगी है तो। किन्ने टेस्टी सिगे? थोड़े के खाते तो थोड़े के खाते भी बस मिर्चा। ओदा भी पहाड़ा च आके मैनूं लगदा मैगी खांदे जी करदा पिया हना। पर जिथे आप ओथे घूमन जाने हुंदे आ सोचो ओथे मैगी मिल जावे बाहर, इह लेक डिस्ट्रिक्ट या किते होर। जपू नी नी करता पे अपना, ओए ओए मुंह बना लूगा नाली, ठीक है ठीक है, नहीं डिस्टर्ब करना पुत। गुरुद्वारा साहब अपन रूम मिले नहीं सी, ते अपन लेना पे बाहरों, ते गिने अपने ने की होया दसी जरा माड़ा जिहा कि ये लोग किदा फ्रॉड करते ने बंदे नाल। मनीकरण साहब आंदा जे गुरुद्वारा साहब रूम नहीं मिल रहे है ते जे बाहरों लेंदे ते बहुत ध्यान ना लवो जी, कहंदे कुछ होर ते करदे कुछ होर, फिर इस करके आपां बाद विच आ गद्दे लवाए ने, ते फाइनली आपां माड़ी जी बहस दे बाद आपां फाइनली रूम ले लिया। आ पखे चल रहे ने ते हुण सौण दीआं तैयारियां ने, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसी दी कोई लोड़ नहीं है कि ठंड आउंदी है, बावजूद सॉफ्टियां कर रहे हैं, ते बाद बहुत वधिया रौनक मेला लगा होया है।
लंगर बहुत ही ज्यादा स्वाद से ना, कड़ी इन्हों की इन्नी स्वाद होंगी ना लंगर की। आलू बड़िया की सब्जी भी सी, वो भी बहुत बहुत टेस्टी सी। कल अपना प्रोग्राम है सवेरे आप मत्था टेकेंगे जाने पहले फिर दोबारा, तो आप जाना मनाली, तो बने रहो वीडियोज़ के नाल, वीडियोज़ में इतने प्यार देंदे रहो, तो आप मिलेंगे तुम्हें नवी वीडियो के। टिल दैन सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।